गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विजया व्लॉग। सो आज मैं इस व्लॉग में आपको व्लॉग नहीं बता रही, मैं अपने कलेक्शन बता रही हूँ। चूड़ा कलेक्शन, बैंगल कलेक्शन और सबसे मेन होता है कड़ा कलेक्शन। तो मैंने चूड़ा कलेक्शन ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, मेरे कलेक्शन वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो मेरे पास क्या क्या कलेक्शंस हैं। तो आपको उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, चूड़ा कलेक्शन मिल जाएगा। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने कड़ा कलेक्शन। जी हाँ, जो मैं मोस्टली कभी कभार पहन लेती हूँ, अगर बाहर जाती हूँ तो उसे पहन लेती हूँ, और मन नहीं किया कुछ पहनने का तो उसको कुछ अच्छा सा सेट बना के पहन लेती हूँ। चूड़ियाँ एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपका मन नहीं भी करेगा ना तो उसको देख के आप पहन सकते हो, उसको देख के आपका मन कर देगा कि आपको पहनना है। सो बाय द वे, मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ हैं जो मैंने किसी को नहीं बताया है। ऑफकोर्स बहुत सारी हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कम है। नया नया मैं ट्राई करती रहती हूँ, नया नया चीज़ें लेती रहती हूँ, नई नई सेट लगाती रहती हूँ। तो आज ये उन्हीं सेट में से आपको दिखाऊंगी मेरे पास क्या क्या है। सबसे बड़ी ये पहली बात ये वाली है, मैं आपको स्टार्ट कर दे रही हूँ बताना। ये मुझे मिला था मेरे ससुराल वाले की तरफ से सेट के साथ। ये कड़ा बहुत हैवी है और ये शादी वादी लायक है। इसको मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ क्योंकि ये वेडिंग टाइप का कुछ है, क्योंकि बहुत हैवी है और इतना शाइनी है ना, अभी तक इसका शाइन नहीं गया। 4 साल होने आ गए शादी को, तो अभी तक इसका शाइन नहीं गया और इतना सुंदर है। तो कड़ा तो आपको मोस्टली पता ही होगा कड़ा कैसे लगाते हैं, तो फिर भी आगे आपको मैं बता दूँगी कैसे कैसे इसको लगाते हैं, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इतने सारे मेरे कड़ा है, मेरे पास कड़ा है अभी तो। रिसेंटली मैंने और भी ज्वाइन किए हैं, और भी रखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई हैं। सो मैं ट्राई करूँगी इसे पार्ट टू में करूँ, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे कड़ा के कलेक्शंस। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाला कड़ा है जो मुझे दिया था मेरी मासी ने, इसमें से मोस्टली मेरी मासी ने और मेरी मम्मी ने ही दिए हैं। खरीदे मैंने बहुत कम है, खरीदती हूँ बहुत रेयरली हूँ, बट फिर भी आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी सब मेरे या तो मासी ने दी होंगी या तो मम्मी ने दी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये मुझे मासी ने दिया था, ये थोड़ा रिस्की है, यहाँ से निकला हुआ है, बट फिर भी मैं इसको बहुत कैजुअली पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। अगर इसको एक एक भी डालें तो भी बहुत है, और इसके आगे पीछे रेड कलर का हुआ या फिर कुछ भी चीज़ें आप डाल सकते हो, चूड़ियाँ डाल सकते हो। ये अगेन नेक्स्ट टाइप, ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप है, इसकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा कलरफुल है, आप इसको किसी भी पहन सकते हो, सिंगल सिंगल डाल लो या फिर चूड़ियों के आगे या फिर चूड़ियों के पीछे या फिर चूड़ियों के बीच में। मैं मोस्टली इसी तरीके से पहनती हूँ, आगे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैं पहनती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कलरफुल है, आप किसी पे भी पहन सकते हो। मुझे बहुत शौक है चूड़ियों के आगे इस तरीके की चूड़ियाँ पहनना, जो मैंने अभी लिया हाथ में, ये भी मुझे अभी रिसेंटली मासी ने दिया था। बहुत सुंदर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लाइक गोल्डन टाइप चूड़ियाँ पहन लो, उसके आगे कुछ इस तरीके का आपने डाल लो तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है। जी हाँ, और ये है नेक्स्ट कुंदन का सेट, ये मेरी शादी का सेट है। कुंदन का मैंने लिया था, कुंदन का आजकल बहुत चल रहा है, मतलब समझ लो ओल्ड ही हो गया है, बहुत ट्रेंड में था कुंदन सेट। आप कुंदन ज्वेलरीज, कुंदन सेट, कुंदन चूड़ियाँ बहुत आ रही थी, तो ये भी एक है मेरे पास। ये है चौकिया से मैंने लिया था, माता रानी का प्रसाद ही समझ लो, इसमें से एक कड़ा गायब है, अभी मैं देख रही हूँ कहाँ गया वो, सो उसको भी देखेंगे बाद में। इसको मैंने भी लिया था चौकिया से, इसको मैं एक पहनती हूँ, तो एक डेली वेयर में कभी कभार पहन लेती हूँ, और जो बीच वाला है उसको कभी कभार चूड़ियों के साथ सेट मार लेती हूँ, या फिर जो
कांच की चूड़ियां हैं उसके साथ में सेट लगा के पेयर अप लगा के पहनती हूँ। तो ये बहुत सुंदर सा है, बहुत मुझे मतलब बस बहुत प्यारा लगता है। इनमें से जो भी चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ ना, मुझे ऐसा है ना कि मैं अपनी चीज़ें बहुत कम शेयर करती हूँ लोगों से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है अपनी चीज़ों को बनाकर रखना, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ टूट चुका है, इसमें का एक ऑलरेडी टूट चुका है। ये दो था 100 रुपये का, तो ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे टूट गया, पर फिर भी मैं उसमें का लूँगी ज़रूर। बट ये वाला जो है ये और भी इसमें का है, बट मुझे अच्छे से मिल नहीं रहा है, बट फिर भी आपको मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया। ये मुझे मिला था शादी में मेरी ससुराल वालों की तरफ से, चूड़ियों के सेट में, बहुत सुंदर था वो है, चूड़ियों के साथ में उसको पहनती हूँ। और ये है नेक्स्ट, ये भी मुझे मासी ने दिया था कड़ा टाइप, इसको मैं भी चूड़ियों के आगे मोस्टली पहनती हूँ, पूरी चूड़ियाँ पहने थी उसके आगे इसको पहनने का मैं सोचती हूँ उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये है ऐसा कि कड़ा टाइप है यार, किसी भी ट्रेडिशनल हो गया, वेस्टर्न हो गया, किसी भी पहन सकते हो, उसमें कुछ सोचने वाली ज़रूरत है ही नहीं। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऑफकोर्स। और ये है नेक्स्ट राधा कृष्ण कड़ा, जिसमें का मेरे पास, मासी के पास, भाभी के पास, सबके पास सेम है। ये हमने लिया था मेरे गांव से, जौनपुर से, मार्केट करने गए थे मेरी शादी के टाइम, मेरे इंगेजमेंट के टाइम लिया था, ऑलमोस्ट हो गया पाँच साल पकड़ लो। इसका लाइट वैसा ही का वैसा ही है, बहुत सस्ते में मिल गया था उसका, मुझे प्राइस अभी रिसेंटली याद नहीं है, बट फिर भी ये मुझे मिल गया था। सो ये एक कड़ा जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बीच में तो निकाला नहीं उसमें से, ये मेरी इंगेजमेंट का कड़ा है, मैंने ये लिया था, शादी का कड़ा है उसको लिया था, तो इसलिए आपको दिखा दिया। कड़ा आपको किसी भी पहन सकते हो, कुछ उसमें वो नहीं है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हैदराबाद का कड़ा, जी हाँ, अब मैं बहुत जगह के कड़े रखी हूँ, ये है हैदराबाद का, ये मैंने सेट दिया था मेरी मासी को गिफ्ट, बट मासी पहनती नहीं थी, तो मैंने बोला लाओ मासी मुझे दे दो वापस से कैसी ऐसी बच्ची कभी आपने देखी होगी वापस दिया हुआ चीज़ वापस ले लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं, जबरदस्ती नहीं लिया, उन्होंने खुद ने दिया था, तो ये उनके पास रखा हुआ था। मैं बोले लाओ मासी मैं पहन लूँगी, थोड़ा बड़ा बड़ा सा भी है ना, तो उनको थोड़ा सा ऑड सा लगता है, तो फिर उन्होंने कहा हाँ तू पहन मैं पहन एक ही बात है, कोई भी पहन लो चलेगा मुझे। तो मैंने उनसे ये कड़ा ले लिया, ये बहुत मोटा है, इसे भी मैंने भी बहुत रेयरली पहना है, अभी तक पहना नहीं है, ये सब नहीं लगाया हुआ है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी इसे पहनना। तो उसके बाद ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ मैं कि थोड़ी बहुत चूड़ियों के सेट में कैसे लगाती हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगी, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी है देखनी है तो आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगेगी, मैं मोस्टली कैसे चूड़ियाँ पहनती हूँ बस वही दिखा रही हूँ, मैं आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आई नो हो सकता है ख़राब मेरा स्टाइल हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है अच्छा हो सकता है पुअर हो एक्सीलेंट हो जो भी चीज़ हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत वाव पहनती हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे पहनती हूँ, आई होप शायद आपको अच्छा लग जाए। तो इस तरीके से मैं पेयर अप करके पहनती हूँ चीज़ें चूड़ियाँ, इस तरीके से मैं आगे गोल्ड वाली चूड़ियाँ डाल लेती हूँ जो कुछ गोल्ड टाइप दिख रही हैं, इस तरीके से जो आपको मैं दिखा रही थी बता रही थी, तो इस तरीके से डाल देती हूँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। कुछ इस तरीके से आप पहन सकते हो, आपके हाथों में इतने सुंदर लगेंगे, अगर आप दोनों हाथों में इस तरह से पेयर अप पहनते हो तो मैं कह रही हूँ बहुत सुंदर लगेंगे आपके हाथ। अगर आप हल्की साड़ी भी पहन रहे हो, अगर आप उस पर इतनी भरी चूड़ियाँ भी पहन लेते हो ना, तो आपका लुक ओ माय गॉड। मैं उसमें ऐसे ही करती हूँ, मैं बहुत लाइट वेट साड़ियाँ पहनती हूँ, उसके बाद चूड़ियाँ मेरी भरी भरी रहती हैं, तो मुझे चूड़ियाँ भरी हुई ही अच्छी लगती हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस और आपकी चॉइस सेम है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेरे बहुत चीज़ें शेयर की, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।